हेलो गाइस, आई एम अभिषेक गोयल। वेलकम टू द न्यू वीडियो। हमने अपने पिछली वीडियो में सेलेक्टर्स के बारे में सीखा था। आज हम चलते हैं लिस्ट की तरफ। जैसा कि आपको मैंने पहले बता चुका है, HTML में लिस्ट को आज मैं पढ़ाऊंगा उसी लिस्ट को CSS की मदद से। मतलब आज मैं लिस्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाला हूँ। और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि लिस्ट तीन टाइप की होती हैं। पहला टाइप होता है अपना ऑर्डर लिस्ट, दूसरा होता है अपना अनऑर्डर लिस्ट, और तीसरा होता है अपना डिस्क्रिप्टिव। लेकिन आज जो मैं आपको टाइप पढ़ाऊंगा वो ओनली दो हैं, ऑर्डर और अनऑर्डर। उसी में आपको प्रॉपर्टी लगा के CSS की मदद से आपको लिस्ट को पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो हम चलते हैं। हमने अपना BS कोड ऑन किया है। सबसे पहले हम इसमें एक फाइल बनाते हैं अपनी 20.html की, ठीक है? हमने अपनी बॉयलर प्लेट डाल दी इसमें। अब हमने टाइटल दे दिया लिस्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी ठीक है। गो लैब को ऑन किया, ये अपना टाइटल आ गया यहाँ, ये देखो लिस्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा ऑर्डर लिस्ट के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे बॉडी के अंदर मैंने सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट दे दी है, उसके अंदर हमने लिस्ट आइटम दे दिए हैं। मैंने जैसे चार आइटम दे दिए इसमें। मैंने फ्रूट्स के नाम लिख दिया, वेजिटेबल में फ्रूट्स के नाम लिखता हूँ, मैंगो। सेकंड में लिख दिया मैंने एप्पल। थर्ड में डाल दिया मैंने ऑरेंजेस या ऑरेंज। एंड लास्ट में डाल दिया हमने ग्रेप, ठीक है? तो देखो मैं कंट्रोल को ऐसे सेव करता हूँ और यहाँ पे अपनी ऑर्डर लिस्ट आ गई। जैसा कि मैं आपको बता चुका है कि ऑर्डर लिस्ट का डिफॉल्ट वो क्या होता है, वैल्यू 1 2 3 4 5। मतलब जैसे चलते आएंगे अपन, मतलब 1 के क्रम में आएगी, अल्फाबेट नहीं आएंगे इसमें, ठीक है? अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट भी बना दिए UL। उसके अंदर हमने लिस्ट आइटम दे दिए हैं कितने, 4 ही। उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने फोन्स के नाम दे दिए हैं, जैसे आईफोन, ठीक है? आईफोन ले लिया है, रियलमी ले लिया है, ऑनर का ले लिया है एक, ठीक है? इन्फिनिक्स ले लिया अपन ने, ठीक है? ये चार फोन ले लिए हमने। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो अपनी अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि ये सर्कल के फॉर्म में आते हैं। जो अपना डिफॉल्ट वैल्यू होती है इसकी, वो अपने सर्कल होती है, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार, पैरा टैग दे दिया यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है? यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर पैरा टैग, सॉरी एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर लिस्ट। देखो यहाँ पे आ गया होगा ऊपर, ठीक है? अब इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा इस टाइप के अंदर। तो सबसे पहले हम लगाएंगे प्रॉपर्टी, इसकी तीन चार प्रॉपर्टी होती हैं, मैं एक करके सब बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लगाएंगे ओल्ड लिस्ट, मतलब ओल्ड लिस्ट में, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, इसमें लिस्ट के फॉर्म में होता है, ये लिस्ट ही तो होती है अपनी। तो देखो इसमें प्रॉपर्टी दिखा रहा है, लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल पोजिशन, लिस्ट स्टाइल इमेज। तो ये चार प्रॉपर्टी हैं, उन्हें मैं आपको धीरे धीरे मतलब पहले पहले बताऊंगा, ठीक है? तो इसमें मैंने डाल दिया जैसे कि टाइप, ठीक है? टाइप में क्या आएंगे देखो, इतने सारे टाइप तो मैंने आपको शायद पहले बता चुके होंगे कि उसमें क्या होता है, अपन कोई सी टाइप में कर सकते हैं। मतलब अपन को सर्कल में लेना है या सर्कल में ले लो, रोमन वैल्यू में लेना है रोमन वैल्यू में ले सकते हैं, अपन डिस्क के फॉर्म में लेना है अपन डिस्क के फॉर्म में ले सकते हैं, डेसिमल सर्कल कुछ भी ले सकते हैं अपन, ठीक है? जैसे अपन ने ले लिया यहाँ पे, यहाँ पे लिया अपन ने गॉर्जन ले लिया, ठीक है? देखो ये आ गया, ये अपनी डिफॉल्ट वैल्यू आ गई, गॉर्जन के फॉर्म में आ गई है। वो आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, तो मैं इसको टैप को चेंज करता हूँ। इस बार दे दिया मैंने क्या, लोअर अल्फा दे दिया ABCD को, लोअर मतलब स्मॉल ABCD, ठीक है? आ गए अपन इसको मतलब ऐसे चेंज कर सकते हैं टैप के फॉर्म में। ये टैप में क्या होता है कि अपन टैप मतलब समझ होंगे आप कि अपन टैप मतलब होता है अपन सर्कल लेना है, अपन टैप कौन सा टैप का लेना है, अपन को जो अपनी लिस्ट लेनी है अपन को कौन सा टैप में लेनी है, ठीक है? अपन चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, वो अपनी लिस्ट
स्टाइल पोजीशन। इसमें क्या होता है, दो होते हैं मेनली, इनसाइड और आउटसाइड। देखो अपन ने इनसाइड किया तो देखो क्या होगा, चेंज कुछ चेंज हुआ। देखो यहाँ देखो, ये ए बी सी डी है और दो नीचे देखो, वो दोनों क्या है, एक फॉर्म में नहीं होंगे। देखो ध्यान से देखो, ए बी सी डी और नीचे सर्कल वाले फॉर्म है, वो एक ही लाइन में नहीं है, एक ही वे में नहीं है। उससे क्या हुआ, इनसाइड क्या हो गया, मतलब कि लेफ्ट साइड में चला गया वो, लेफ्ट या राइट बोल सकते हैं अपन, राइट साइड में चला गया वो। ठीक है, अपन ने जैसे कि अब इसमें लगा दिया आउटसाइड, तो देखो ये डिफॉल्टली क्या होता है, आउटसाइड ही होती है इसकी वैल्यू। देखो इस पर कुछ चेंज नहीं हुआ, बेहतर वैसे ही हो जाएगा, आ गए उसी वे में। ठीक है, अब इसमें आती है अपनी तीसरी प्रॉपर्टी, वो है अपनी लिस्ट स्टाइल इमेज। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया इमेज के लिए, पता है आपको क्या देते हैं अपन, यूआरएल देते हैं सबसे पहले। और इसमें मैंने एक इमेज दी है, जैसे कि यहाँ मैंने सेव कर रखी है पेट डॉट पीएनजी आ गई। ठीक है, देखो अब तो कितना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है अपन को। अगर अपन ने उसके टाइप में फॉर्म में नहीं दिया अपन को, 1 2 3 फॉर्म में, तो उससे पहले अपन ये इमेज लगा सकते हैं उसके जवाब पे। ठीक है, तो ये आप तीनों प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, वो क्या होता है, इसका शॉर्ट एंड होता है। जो लिस्ट प्रॉपर्टी होती है उसका शॉर्ट एंड होता है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले अपन देते हैं टैप। टैप दे दिया था कि मैंने डिस्क दे दी है, या क्या दे देता हूँ, टैप दे दिया मैंने रोमन में। ठीक है, उसके डाल दी मैंने इनसाइड। ठीक है, अब इसमें मैं उस वो डाल दूंगा यू आर एल वैल्यू, मतलब कि इमेज। तो उसमें क्या होगा कि जो अपनी टाइप है वो शो नहीं करेगा। तो देखो पहले मैं दिखाता हूँ, ये रोमन वैल्यू आ गई अपनी और इन साइड चली गई, देखो यहाँ से राइट साइड में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डाल दूंगा यू आर एल, मतलब इमेज डाल दूंगा, तो उससे क्या होगा, अपनी टाइप नहीं दिखेगी अपन को, जो टाइप है वो अपन को दिखेगा नहीं। देखो यहाँ डाल दी मैंने यू आर एल, उसके अंदर डाल दी मैंने पेट डॉट पी एन जी। देखो अब क्या होगा, जो अपनी सर्कल था, सॉरी वो था अपना 1 2 3 4, वो अपन को नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब इसकी यहाँ पे अपन सर्कल डाल सकते हैं अपन चाहे तो, रोमन लोअर रोमन की यहाँ पे सर्कल डाल सकते हैं अपन, सर्कल। ठीक है, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा अपना। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि जो अपन ने इमेज वैल्यू दी है वो अपनी, जैसे कि अपन ने दे दिया यहाँ सर्कल ही दिया है, ठीक है, तो सर्कल में क्या होगा, देखो स्क्वायर दे दिया वैसे अपन ने, स्क्वायर। ठीक है, और यू आर एल को अपन ने हटा दिया यहाँ से एक बार। ठीक है, तो देखो यहाँ सर्कल आ गए। अगर यहाँ पे क्या होता, जो अपनी यू आर एल है उसका साइज भी जो अपन ने ये दिया है स्क्वायर दिया है उसके बराबर हुआ, तो क्या होगा यार, इसके अंदर ही आ जाएगा, मतलब वो कलर मैचिंग हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि इमेज होगी वो उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये तो क्या था, यू आर एल वैल्यू जो मैंने यू आर एल वो दिया इमेज, वो क्या था उसमें, तो जो इमेज थी वो बहुत बड़ी थी, तो इससे क्या हो गया, वो अपनी वन सॉरी स्क्वायर हट गया यहाँ से। ठीक है, तो सेम ऐसा ही उसमें हो जाएगा अनऑर्डर्ड लिस्ट में, उसमें कोई फर्क नहीं है, देखिए क्यों। यहाँ पे मैंने डाल दिया यू एल, ठीक है, यहाँ से कर दिया मैंने पूरा कॉपी, कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, यहाँ डाल दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने अब चेंज कर दिया यू आर एल, यहाँ पे कर दिया मैंने क्या, पेट किया पर कर दिया मैंने यहाँ एरो। ठीक है, आप चाहे कुछ भी सकते हैं यहाँ पे, देखो अब देखो ये भी चला रहा है लोगो, इससे क्या हो जाएगा, लोगो से हमारी जो अलग ही करेगी यहाँ पे अपन को। अगर अपन को वो नहीं देना, क्या बोलते हैं 1 2 3 4 ये टैप नहीं देना, तो उसकी यहाँ पे हम ये कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे ये बहुत सारे टैप होते हैं, ये तो दो टैप के होते हैं, जो पोजिशन होता है वो होते हैं आउटसाइड और इनसाइड। तो आउटसाइड तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, और इनसाइड तो साइड में आता है। ठीक है, और जो लोअर वगैरह होते हैं ये चीज, ये बहुत सारे होते हैं। देखो मैं एक एक करके लगा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये दोनों नीचे वाले करता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, अब देखो एक करके सब लगाता हूँ। देखो यहाँ गया अपना अमेरिकन, सबसे पहले अमेरिकन चलते हैं। ठीक है, अपन अमेरिकन में क्या हुआ, देखो ऐसी वैल्यू आ गई जो अपन समझ में नहीं आई, ये अमेरिकन लैंग्वेज की वो है। ठीक है, अब अपन चलते हैं दूसरी तरफ, वो कौन सी अपनी सर्कल आपको पता है, अब डेसिमल चलते हैं। डेसिमल भी आपको पता होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अपन चलते हैं अगली तरफ,
वो अपना कौन सा है, डेसिमल लीडिंग जीरो। इसमें क्या हुआ, अपने 1 2 3 4 डेसिमल हो गया, उससे पहले जीरो आ जाएगा, देखो 0 1 0 2 0 3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आप इन सबको लगा लगा के देख सकते हैं, इनका यूज समझ में आ जाएगा आपको। और मैं आपको एक एक बार सब बता देता हूँ। अब डिस्क है, डिस्क के फॉर्म में आ जाएगा, आपने सी डी देखी होंगी, ऐसे फॉर्म में आ जाएगा, सर्कल फॉर्म में, देखो आ गया। ठीक है, अब अपन अगले चलते हैं। अगला कौन सा होगा अपना, अगला है अपना गॉर्जियन। देखो अब ये कॉर्जन क्या होगा, कॉर्जन अपनी कौन सी लैंग्वेज होती है, ये ऐसी जो आपको समझ में नहीं होगी, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रही कौन सी लैंग्वेज है। ठीक है, अपन चलते हैं अगली की तरफ, वो है अपना लोअर अल्फा। देखो लोअर अल्फा में क्या होगा, अल्फा समझिए अल्फाबेट, मतलब स्मॉल ए बी सी डी, ये आ गया अपना स्मॉल ए बी सी डी। ठीक है, अब अपन चलते हैं लोअर लैटिन की तरफ, अभी लैटिन फॉर्म में आ जाएगा, जो अल्फा बीटा गामा होते हैं, सॉरी लैटिन ये, हाँ सॉरी ए बी सी डी होते हैं लैटिन। ठीक है, अपन चलते हैं ग्रीक की तरफ, हाँ ग्रीक में क्या होगा, वो अल्फा बीटा गामा हो जाएंगे। देखो अल्फा बीटा गामा ये आपने मैथ के फॉर्म में, मैथ में देखा होगा, आपने पढ़ा होगा मैथ में, फिजिक्स में, ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, अपन चलते हैं, वो अपना रोमन, रोमन तो आपको पता होगा स्मॉल आई, मतलब 1 2 3 4 कैसे हो जाते हैं रोमन के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हैं, तो आप लगा लगा के देख सकते हैं इनको। ठीक है, आप इनको जरूर लगा के देखना एक बार, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब अपन चलते हैं अगली प्रॉपर्टी, मतलब क्या करेंगे, अब जो अपन ने यहाँ पे लिया है ओवर टैग, मतलब ऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, उसके अंदर अपन एल आई है, मतलब जो लिस्ट टैग है उसके अंदर हम क्या लगाएंगे प्रॉपर्टी। अपन ने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी समझ चुकी है, मार्जिन समझ चुका है अपन ने, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी समझ चुकी हैं, उनको मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। देखो अब मैं आपको सजा के दिखाऊंगा इसको, अपन सजा सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने सब कुछ कमेंट आउट किया, यहाँ पे कर दिया मैंने ऊपर बैकग्राउंड कलर बीजी कलर रेड, रेड हाँ रेड कर दिया। ठीक है, पैडिंग दे दी मैंने यहाँ कितनी 20 पिक्सल। ठीक है, अब इसमें क्या किया मैंने, बैकग्राउंड कलर दे दिया इसमें मैंने वाइट, वाइट ये आप पूछ देख सकते हैं हल्का कलर। ठीक है, यहाँ मैंने पैडिंग दे दी 5 पिक्सल। ठीक है, और मार्जिन दे दिया मैंने, ये मार्जिन, हाँ मार्जिन दे दिया मैंने, मार्जिन लेफ्ट से देता हूँ मैं 35 पिक्सल। तो देखो कितना अच्छा दिखेगा अपने, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। अब मैं आपको एक एक चीज़ समझ देता हूँ कि अपन ने, देखो या मैं अब एक चीज करके कमेंट आउट करके दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं पूरी कमेंट आउट करता हूँ और उसमें कैसा दिखेगा। देखो इसमें क्या दिखा, ओनली अपन को बैकग्राउंड कलर दिखाया है और क्या हुआ है पैडिंग लगी है, अभी पैडिंग को भी हटा करके दिखा देता हूँ मैं। अब देखो अब कैसा दिख रहा है, ये ओनली अपन को क्या दिख रहा है बैकग्राउंड कलर इसके अंदर। ठीक है, अपन को पैडिंग से क्या होता है, पैडिंग में अंदर स्पेस आता है, जो अपन ने टेक्स्ट दिया है उसके अंदर, मतलब ये बैकग्राउंड कलर दिया है अपन ने, ये बॉक्स पूरा इसके अंदर स्पेस आ जाएगा, तो इससे क्या होगा ये अपना, देखो कैसा दिखेगा इससे, इससे क्या होगा इसमें अंदर पैडिंग आ जाएगी, मतलब अंदर स्पेस आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने दे दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया कलर, अब मैं इस पूरी को उठा देता हूँ। ठीक है, अब इसमें दो प्रॉपर्टी में कमेंट आउट कर देता हूँ और ओनली व्हाइट प्रॉपर्टी का लगा देता हूँ। देखो इसमें क्या हुआ, अंदर के आ गए, अपन ने क्या किया था, लिस्ट टैग है, लिस्ट टैग के अंदर अपन ने बैकग्राउंड कलर दिया है, तो ये लिस्ट टैग क्या था, लिस्ट टैग में 1 2 3 4 तो आएंगे नहीं, क्योंकि तो अपन ने अलग से दिया है इसमें, ये तो डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी और लिस्ट की, तो इसमें मैंगो एप्पल वगैरह ये क्या जाएंगे इसके अंदर बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। अब मैंने क्या किया था इसके बाद मैंने किया था कि यहाँ पे, अरे यार क्या हो रहा है ये, ठीक है यहाँ पे मैंने क्या किया, पैडिंग लगा दी है, तो पैडिंग में आपको जैसे बताया कि अंदर स्पेस आ जाएगा, देखो इसके अंदर स्पेस आ गया जो अपन ने लिस्ट किया था उसके अंदर। ठीक है, अपन ने मार्जिन लगा दी, मार्जिन की तरफ लेफ्ट की तरफ, इससे क्या होगा, ये अपना 1 2 3 4 है, ये इधर से खिसक जाएंगे, इधर से इस साइड आ जाएंगे, उसमें क्या होता है कि बाहर से स्पेस आता है,
बाहर की तरफ इस पे जाता है। ठीक है, तो ये अपना दिखने में थोड़ा अच्छा दिख रहा है, अपन इसे चला सकते हैं और भी तरीके से। अब मैं ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट को क्या कर देता हूँ, यहाँ डाल दिया मैंने यूएस के अंदर डिस्टेक। ठीक है, उसके अंदर मैं क्या है बीच की तरफ दिया, तो अरे रुको पहले इसमें तो लिख देता हूँ, मैं इसमें कर देता हूँ बीच कलर ग्रीन। ठीक है, पैडिंग कर दी मैंने वही 20 20 पिक्सल। ठीक है, बीच कलर कर दिया मैंने वाइट, ये वाइट कर दो या पिंक कर दो, ये देखो लाइट कर देता हूँ पिंक। ठीक है, इसमें मैंने ओनली मार्जिन दूंगा, इसमें पैडिंग सॉरी पैडिंग दूंगा क्योंकि ये तो सेम हो जाएगा, तो इसमें मैंने क्या कर दिया मार्जिन दे दी ओनली 5 पिक्सल। तो देखो ये कैसा दिखेगा, ये देखो। अरे इसमें प्रॉपर्टी तो पंद्रह नहीं है, इसमें क्या हुआ है, हाँ लिस्ट टैग हो गया है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, अच्छा ये दिक्कत आ रही है, इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, अपन ने लिस्ट टैग क्या किया है एल आई नहीं दिया था, आई एल दे दिया इसमें। देखो अब क्या हुआ, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। इसमें क्या हुआ, अपन ने बैकग्राउंड कलर दे दिया है, ठीक है, उसके अंदर अपन ने पैडिंग दी थी तो वो सेम वैसी हो जाएगी, अंदर स्पेस आ जाएगा। इसमें इस बार लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें मैंने इस बार पैडिंग नहीं दी, तो इसमें क्या होता है कि ये पैडिंग में क्या होता है, ये अपन ने बैकग्राउंड कलर दिया है तो ओनली इसमें अपन ने मार्जिन दिया, तो मार्जिन से क्या हुआ बाहर की तरफ स्पेस आता है, तो उससे क्या हुआ, और अपन ने बैकग्राउंड कलर किसमें दिया है ओनली टेक्स्ट में, तो अपन ने इस बार मार्जिन दे देंगे तो मार्जिन नहीं देंगे तो वो पूरा स्पेस नहीं मिलेगा इसकी वजह से। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया वो पैडिंग की वजह से नहीं मार्जिन की वजह से हो रही थी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ की गया है मार्जिन यहाँ कर दिया मैंने 5 पिक्सल था, सॉरी यहाँ पे ये चेंजेस हो गया, हाँ 5 पिक्सल था, देखो तो ऐसे आ रही थी। ठीक है, अब मैंने मार्जिन यहाँ 5 किया 0 करके देखा, तो देखो ये क्या अपना बैकग्राउंड कलर पूरा नहीं आएगा, वो बारी बार आएगा। ठीक है, तो जैसा मैं उम्मीद करता हूँ आपको कि आपको ये लिस्ट की जितनी प्रॉपर्टीज नहीं है वो आपको समझ में आ रही होंगी। ये तो अपन को बैकग्राउंड कलर पैडिंग वगैरह तो मैं आपको सयान के लिए दिखाया ओनली, लेकिन जो मेन प्रॉपर्टी है उसकी ओनली 4 है, उसमें आता है लिस्ट स्टाइल टैब, लिस्ट स्टाइल पोजिशन, लिस्ट स्टाइल इमेज, और उसका शॉर्ट एंड करके लिस्ट स्टाइल के अंदर हुआ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और भाई यार लाइक करो यार, इसको शेयर करो यार, कोई भी यार इस पर व्यू नहीं आ रहा यार, कोई तो देखो इसको मतलब कमेंट करके बताओ यार, आपको कोई दिक्कत है तो यार इससे समझ में आएगा कि हाँ हमारी वीडियो देखी जा रही है। अगर भाई ऐसा मत करो, जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करो, जिससे कि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर सपोर्ट मी टू मेक मोर एक्साइटिंग वीडियोस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू गाइस।